तीन बार, ये तीन बार इन्होंने मैराथन आयरन मैन गोली लगने के बाद, लंग्स फटने के बाद इन्होंने तीन बार आयरन मैन का खिताब जीता है। आयरन मैन कैसे बनता है, कोई आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वो फिल्म नहीं कि आयरन मैन, ये असल में आयरन मैन है, ये हमारे हिंदुस्तान की शान है। और आप जरा वो बताइए कि वो फिर कैसे आया आपके जहन में कि आयरन मैन बनना है? एक्चुअली क्योंकि सांस नहीं आती है उसके बाद, आपको आयरन मैन बनने के लिए तो हर वो चीज करनी पड़ती है जो कि अच्छे से अच्छा फिट आदमी नहीं कर सकता। ये कहानी उसके बाद शुरू हुआ जब रिकवरी पीरियड शुरू हुए, कोई ट्रीटमेंट इसका था ही नहीं जी, इसका कोई अब रिप्लेसमेंट भी नहीं है लंग्स का, कोई टैबलेट नहीं है इसको ठीक कर सके। तो फिर मुझे आस्था चैनल पर स्वामी रामदेव जी को मैंने फॉलो करना शुरू किया और मैंने योग शुरू किया। अच्छा। धीरे 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 कैपेसिटी मैंने बढ़ाई, धीरे धीरे बढ़ाई, पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे मैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठकर मैं प्राणायाम करता था, आसन करता था। उससे लंग्स धीरे 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 मुझे ब्रीथ कंट्रोल करना आ गया, सांस ठीक से मुझे आने लगे। कितना समय लगा? करीबन 4 साल। 4 साल लगातार दोबारा कि ठीक से सांस ले, ठीक से सांस ले पाए। अच्छा। 2012 में मैंने फिर रनिंग शुरू की और 2012 में रनिंग शुरू करने के बाद 2015 में मैंने पहली बार हाफ मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया मुंबई में। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, घर वाले नहीं जाने देते हैं, सारी चीजें पॉसिबल है अगर आपके ब्रेन में 1% भी नेगेटिविटी है, 1% भी, तो आपकी सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली 99% कम हो चुकी होती, क्योंकि आप संशय में जी रहे हो। तो मैं उस चीज को रखता ही नहीं हूं अपने पास में, नेगेटिविटी है ही नहीं। जब मैं किसी चीज को कर रहा हूं तो उसमें मैं हमेशा पॉजिटिविटी ही तलाशता हूं और उसको पूर्ण करने का अपना चीजें रखता हूं। जैसा अभी संडे को मैं पुणे मैराथन दौड़ी, मैंने 42 किलोमीटर, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन रूट मैं कहूंगा, रोलिंग हिल्स और बारिश हो गई। जब आप एलिवेशन पे हो तो आप स्ट्राइड खोल नहीं सकते, जब आप डिक्लाइन पर हो तो आप स्लिपरी हो रखा है पूरा, आप ज्यादा पैर खोल नहीं सकते। इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से यही है, आहार खाते क्या, आहार मैन आहार है हमारा जीवन में, तो जैसा हम आहार खाएंगे उसी तरह का हमारा व्यवहार होता चला जाता है। तो बहुत लोग मिलते हैं, बहुत सेवा होती है, सेवा भाव है सब। और मैं अभी भी मैं कहूंगा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है, कल भी था और आज भी है। मुझे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे सीट देता है और कौन सीट नहीं देता, ये उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मैं मेरा क्या उद्देश्य है और मेरा क्या कार्य है वो मैं करता हूँ। और जैसा मैंने बताया कि इमोशंस एंड फीलिंग्स आप किसी तुच्छ और नीच व्यक्ति से आशा नहीं कर सकते, ये व्यक्ति के लिए उच्च स्तरीय चीजें हैं, अब छोटे व्यक्तियों के पास ये नहीं मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया कि एक NRI फैमिली थी, उन्होंने दिल खोल के किया, उनके अंदर फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, दिखावा नहीं था। तो मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि दिखावा ना करें, सीधा सीधा कहें कि नहीं है। 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जो आप लगाते हो, झंडा लगाते हो और DP बदलते हो, कोई जरूरत नहीं है उसकी, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप देशभक्त हो, वो आप अंदर से जानते हो। और मैं एक किताब भी आपके लिए लाया हूँ, मेरी ऑटोबायोग्राफी, ये मेरा सौभाग्य होगा, बहुत शुक्रिया, ये एक बार आप पढ़ भी दीजिए मेरे लिए, कि या मैं पढ़ देता हूँ। मैं लाइफ इज ऑल अबाउट एफर्ट, लाइफ कांट रन पैरेलल विद एफर्ट एंड एक्सक्यूज, क्योंकि एक्सक्यूज को आपको साइड में रखना ही पड़ता है अगर आपको जीवन में कुछ बनना है। तो ये प्रवीण भाई तेतिया की बुक है 26/11 ब्रेव हार्ट्स, उन सब फौजी भाइयों को सलूट है, आपको सलूट है, तय दिल से शुक्रगुजार हैं। और देश आपका हमेशा ऋणी रहेगा, और जिन्होंने जाने गवाई और जो हमारे साथ हीरो बैठे हुए, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्कार से बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा याद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी इसका, ये मैं पढ़ूंगा और बहुत से लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू थैंक यू।